इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एसओजी की ओर से भर्ती को रद्द करने के प्रस्ताव के बाद अब इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को खत लिखकर की ये मांग उठाई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूबे के मुखिया से मंत्री किरोड़ी लाल की गुहार। एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर हुआ भ्रष्टाचार। ~80% से अधिक चयनित अभ्यर्थी हैं दागदार। ~20% चयनितों पर भी संदेह बरकरार। परीक्षा निरस्त करने में क्यों हो रही देर? आम आदमी की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खत लिखकर एसआई भर्ती परीक्षा 2000 करके रखा हुआ है। ये अलवर से बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस विधायक जुबैर खान का निधन हो चुका है। अलवर के रामगढ़ से विधायक थे कांग्रेस के विधायक जुबैर खान का निधन हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलवर से। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है, अलवर के रामगढ़ से विधायक थे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक जुबैर खान का जो है निधन हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अलवर के रामगढ़ से विधायक थे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जुबैर खान जो कि कांग्रेस के विधायक थे, 1 अगस्त 1963 को ये पैदा हुए और आपको बता रहे हैं जिनका अब निधन हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं जुबैर खान। 2003 से 2008 तक की ये बात बता रहे हैं। एनएसयूआई के बैनर पर 2 बार जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीतिक जो पकड़ है वो अच्छी खासी इनकी रही है। राजनीति से करियर अपना शुरू किया जुबैर खान ने, लेकिन अब ये खबर है रामगढ़ से विधायक कांग्रेस के जुबैर खान जिनका निधन हो गया है। उपचुनाव होने वाले हैं, उसके पहले जुबैर खान का जाना कांग्रेस के लिए ये क्षतिपूर्ण है, ये बड़ा लॉस मान सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलए जुबैर खान का निधन हो गया। 1.5 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था उनका, ये भी आपको बताया जा रहा है। और 15 दिन पहले डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। अलवर के रामगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव जुबैर खान का शनिवार, ये बताया जा रहा है कि आज ये खबर ये ब्रेक की है न्यूज 18 राजस्थान ने। अंतिम सांस अलवर शहर के निकट ढाई पेड़ी पर खुद के फार्म हाउस पर उन्होंने लिया। पिछले 3 दिनों से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, यानी स्वास्थ्य उनका दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा था। करीब 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स उन्हें जवाब दे चुके हैं। 1 अगस्त 1963 को जुबैर खान का जन्म हुआ, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस के लिए ये बड़ा लॉस, एक अच्छे खासे नेता जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजनीति से की, जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में कॉलेज में छात्र संघ के नेता भी रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, बहुत ही दुखद खबर, कांग्रेस के विधायक जुबैर खान का निधन हो गया। क्या कुछ जानकारी, लंबे समय से क्या ये बीमार चल रहे थे? नितिन, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी, रामगढ़ के जो विधायक हैं जुबैर खान, उनका आज सुबह 5:50